नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आपसे बड़ी शिकायत है, और शिकायत यह है कि आप बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कम व्यू आने लगे। आपको अगर वीडियो में कुछ समस्या है तो आप बताएं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पूरा देखें। वह अपने दोस्तों में कम से कम एक व्यक्ति कम से कम अपने 3 सेकेंड लेवल रीड लेवल सेकेंड के विद्यार्थियों को इसको शेयर करेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, शेयर करने से ही काम चलेगा दोस्तों, नहीं तो फिर क्लास पढ़ाने में फिर मज़ा नहीं आता जब कम लोग देखते हैं। तो आज आपका रीड लेवल 2 क्लास नंबर 7, इसमें हम पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, फिर हम अपने गुप्त साम्राज्य को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक कालीन जो नदियाँ थी, वो प्राचीन नदियों का वर्तमान में क्या नाम है ये हम देखते हैं। तो कुंभा का नाम काबुल है, कुर्मुदा का नाम कुर्रम है, गोमती का नाम गोमल है, सुवस्तु का नाम श्वात है, सिंधु का नाम सिंध नदी है, वित्सता का नाम झेलम है, अश्कनी का नाम जो है चिनाब है, प्रूशनी का नाम रावी है, विपाशा का नाम व्यास है, सतुद्री का नाम सतलज है, और दस द्वती का नाम सरस्वती है, जो अपनी राजस्थान के अंदर जो घगर नदी है उसका जो क्षेत्र है उसमें माना जाता है कि वो प्राचीन सरस्वती नदी थी। तो दोस्तों, ये नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि 6ठी क्लास के अंदर जो ऋग्वेदिक कालीन जो अपना टॉपिक था उसके अंदर ये नाम दे रखे हैं। तो ये नाम आपको याद करने हैं जो नदियाँ दे रखी है, महत्वपूर्ण टॉपिक। अगला हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, कंटिन्यू। तो पहले हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की 2 दिन। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा। तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो मिली उसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त जो है कभी भी युद्ध नहीं हारा। उत्तरापंत व दक्षिणापंत में उसने सारी विजय प्राप्त करी, कभी हारा नहीं। वह विष्णु भक्ता, विष्णु भगवान का उपासक था। लेकिन दोस्तों, साथ में ये भी बता दूं, वह सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था और समान रूप से मानता था। किसी भी धर्मावलंबियों को उसने प्रताड़ित नहीं किया अन्य शासकों की तरह। इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी, तो उसके पास विशाल नौसेना थी और नौसेना की वजह से उसने काफ़ी सारे युद्ध जीते। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे जो शासक है उसमें नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412 तक शासन किया, महत्वपूर्ण। सर दोस्तों, सबके कालक्रम आप याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण शासक था ये भी। समुद्रगुप्त का पुत्र था, समुद्रगुप्त इसके पिता का नाम था। इसका नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है, ये महत्वपूर्ण दोस्तों कि कौन से शासक का नाम देवराज और देवगुप्त मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवराज और देवगुप्त मिलता है। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के बाद प्रभावती वास्तविक शासक बनी। वह अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाया। तो दोस्तों, उसने अपनी पुत्री जो प्रभावती थी उसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से करवाया था, लेकिन थोड़े समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया था, लेकिन जो शासन की समस्त शक्तियाँ थी वो अपने हाथ में केंद्रित कर ली एवं वह वास्तविक शासक बन गई। उसकी जो एक्चुअल राजकार्य का कार्य करता था वह प्रभावती करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय मालवा व गुजरात को जीता। चंद्रगुप्त जो था उसने मालवा व गुजरात के शासकों को पराजित किया, वह विजय प्राप्त की। उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई, उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी का बनाई। शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक जो है वहाँ पर उसने विजय की, शक शासक को पराजित करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। शक व कुषाणों पर विजय प्राप्त की, उसने शक व कुषाण राज्यों पर विजय प्राप्त की, उनको परास्त किया। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता। तो जो चंद्रगुप्त था उसके दरबार में भी 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, और उसके पश्चात मुगल सम्राट अकबर था जिसके भी नवरत्न थे। तो नवरत्न दोस्तों एक्चुअली ये होता है कि कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं जो किसी भी शासन में महत्वपूर्ण सत्ता के अंदर भूमिका अदा करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, कला में, साहित्य में, युद्ध में, सेना में, तो उनको नवरत्न कहा जाता था। जो इसके नवरत्न थे उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। इनकी जो पुस्तकें हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे।
जब अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक आ रहा है वही उठा रहे हैं, उसके अलावा जो जो चीज़ें नहीं आ रही वो आगे जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो पहला है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। धन्वंतरी, क्षण शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, गटर घटक्कर पर, वरामहिर और वर रुचि, ये जो नौ थे, ये नौ महान लोग थे जो विक्रमादित्य की जो दरबार था उसकी शोभा बढ़ाते थे, और सबकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनकी सबकी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई है। चीनी यात्री जो फहायान था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। फहान ने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी थी, यानी उसकी प्रजा सुखी थी, इसका मतलब यह है कि जो गुप्त साम्राज्य था उसके अंदर जो प्रजा थी उसको सब प्रकार की आज़ादी थी, एवं उसका व्यापार वाणिज्य व कृषि भी उन्नत अवस्था में था, इसीलिए ही उसकी प्रजा सुखी थी। राजा न तो शारीरिक दंड देता था और न ही प्राण दंड। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था, किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड देना अच्छा नहीं माना जाता था। चंद्रगुप्त जो था द्वितीय, वह शारीरिक दंड नहीं देता था और न ही प्राण दंड यानी मृत्यु दंड उस टाइम नहीं दिया जाता था। कोड़े वोड़े मारने का दंड भी नहीं दिया जाता था, और शरीर से जो भी दुखी करने वाले दंड थे वो दंडों से बचा जाता था। चंडालों के अलावा कोई मांस व मदिरा का सेवन नहीं करता था। महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जो चंडाल जाति के अलावा कोई भी मांस व मदिरा का सेवन नहीं करता था, मतलब उस समय के लोग थे वो शाकाहारी थे और मदिरा पान नहीं करते थे, इसका मतलब उस समय दुर्व्यसनों की कमी थी, ज़्यादा दुर्व्यसन नहीं थे, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, यानी वहाँ पे इतनी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था व सेना की, कि लोगों को घरों में ताले लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, यानी वहाँ पे चोरियाँ नहीं होती थी। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल प्रजा के लिए सुखमय व संपन्नता भरा था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वह प्रजा के लिए सुखमय व संपन्नता भरा था। तो दोस्तों इससे ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शासन की व्यवस्था करी थी वह इतनी अच्छी करी थी कि समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं, समस्त प्रकार की शासन व्यवस्था, समस्त प्रकार की न्यायिक व्यवस्था, समस्त प्रकार की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ अवस्था में थी। वहाँ पे इतनी खाद्यान्न वगैरह की उपलब्धता थी कि वहाँ पे मांस मदिरा का भी उपयोग किया जाना वर्जित था, या उनके उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, प्राण दंड भी नहीं दिए जाते थे। तो समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थी। गुप्त काल में कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसलिए यह काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से रखना। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, तो सीधा सट उत्तर गुप्त काल करना है, बिना सोचे समझे। भारतीय स्वर्ण काल का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है जो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उसमें कला व साहित्य के बारे में बहुत वृद्धि हुई थी, क्योंकि कालिदास जैसे महान कवि, धन्वंतरी जैसे महान विद्वान, वरामहिर जैसे महान गणितज्ञ उसमें उपलब्ध थे, जिनकी वजह से काफ़ी सारी साहित्य की रचना हुई और काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण हुआ जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला दोस्तों, नागवंश की कुबेर नागा व कंदम वंश की राजकुमारी से इसने विवाह किया था, यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से वंश की राजकन्याओं से विवाह किया। तो कुबेर नागा व कंदम वंश की राजकुमारी से विवाह किया। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, विक्रमादित्य जो था यानी चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने वैवाहिक संबंधों का विस्तार काफ़ी किया था, और उसके शासनकाल में वैवाहिक संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने वैवाहिक संबंधों से काफ़ी शांति स्थापित की थी, और जिस शासनकाल में शांति स्थापित होती है वही शासनकाल ऐसा होता है जहाँ पे कला व साहित्य की ज़्यादा वृद्धि होती है, अन्यथा युद्ध पे ध्यान दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य को अरब सागर व सौराष्ट्र प्रायद्वीप तक पहुँचाया। तो जो गुप्त सेना के सेना थी, जो नौसेना थी जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने किया था, उसका लाभ लेते हुए इसने अरब सागर व सौराष्ट्र प्रायद्वीप तक नौसेना की मदद से गुप्त साम्राज्य को पहुँचाया। सर्वशासक रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। तो ये जो है संघ शासक रुद्रसेन तृतीय को इसने पराजित किया, जिसकी याद में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। महारौली
अभिलेख से विदित होता है कि उसने पश्चिम में बहालिक बैक्ट्रिया एवं पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो महारावली जो अभिलेख है उससे यह ज्ञात होता है कि उसने पश्चिम में बहालिक व पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया, यानी उसके जो साम्राज्य था उसका काफ़ी सारा उसने विस्तार किया। अगली क्लास तक इंतज़ार कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आज आपको शेयर करना है, वीडियो की व्यू बढ़ाए, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।